मूवी की शुरुआत में हमें एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है जो तेजी से पृथ्वी की तरफ आ रहा था और वो पृथ्वी पर आ जाता है और एक नदी में जाकर क्रैश हो जाता है। इस क्रैश में एक आदमी बच जाता है और वो अपने साथी को लेकर पानी से बाहर आ जाता है और यहाँ पर वो देखता है उसका साथी मर चुका है, पर उसके साथी की जान इस क्रैश की वजह से नहीं गई थी। उसके सूट पर बहुत बड़े पंजों के निशान थे। जो आदमी अभी जिंदा होता है उसका नाम कैनन होता है। फिर उसे नदी में एक बॉक्स दिखाई देता है। उस बॉक्स में एक कंप्यूटर होता है जो एक नॉर्मल कंप्यूटर नहीं होता, वो एक वेकअप कंप्यूटर था। वो कंप्यूटर उसे इस जगह के बारे में बताता है जहाँ उनका एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था। वो कंप्यूटर इस जगह की सारी जानकारी कैनन के दिमाग में डाल देता है। दरअसल कैनन कोई इंसान नहीं होता, वह एक एलियन होता है जो एक दूसरे ग्रह से आया था। वो कंप्यूटर उसके दिमाग में यहाँ की भाषा भी डाल देता है। इसके बाद कैनन अपनी गन उठाकर जंगल की तरफ निकल जाता है और वो चलते चलते एक गाँव में पहुँच जाता है। इस गाँव में सब बर्बाद हो गया था। फिर उसकी नज़र एक दीवार पर पड़ती है। उस दीवार पर भी वही पंजों के निशान थे जो उसके साथी के सूट पे थे और वो उस लकड़ी की दीवार पर बने पंजों के निशान को देखकर समझ जाता है कि यह निशान पृथ्वी के किसी भी जानवर का नहीं हो सकता। कैनन यह देखकर समझ जाता है ऐसे जानवर सिर्फ उसकी दुनिया में पाए जाते हैं। और फिर अचानक कोई कैनन पर हमला कर देता है जिस वजह से उसकी गन नदी में गिर जाती है और वो बेहोश हो जाता है। उस पर हमला करने वाला कोई दूसरे गाँव का इंसान था और उसका नाम गुनपरिक था। दरअसल यह दौर आयरन एज का था और इस दौर में लोग गाँव और कबीलों के रूप में रहा करते थे। वो लोग हमेशा एक दूसरे पर हमला किया करते थे जो एक आम सी बात थी। और वो कैनन को बांधकर गांव में ले आता है क्योंकि वो गांव को बर्बाद होने का जिम्मेदार कैनन को समझ रहा था। उसे लगता है शायद गांव की इतनी बुरी हालत इसी की वजह से हुई है। इस गांव का किंग जिसका नाम रोथकर होता है, उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम फ्रेया होता है और गुलफ्रिक उसी राजा का भतीजा था। क्योंकि अब अगला राजा गुलफ्रिक ही बनेगा इसलिए राजा अपनी बेटी फ्रेया की शादी उससे कराना चाहता था, लेकिन फ्रेया इसके लिए राजी नहीं होती क्योंकि जो गुलप्रीत के पिता थे वो काफी जालिम और बुरे इंसान थे और अपनी इन्हीं गलतियों की वजह से उन्होंने एक जंग में अपनी जान दे दी। इसलिए फ्रेया को लगता है जरूर गुलप्रीत भी अपने पिता के जैसा होगा, इसलिए वो ऐसे इंसान से शादी नहीं करना चाहती। इसके बाद हमें उस बर्बाद हुए गाँव के सरदार को दिखाया जाता है जिसका नाम गनर था। एक वक्त था जब ये दोनों कबीले एक साथ हुआ करते थे, लेकिन गुलप्रीत के पिता की वजह से इन दोनों में जंग छिड़ गई और इस जंग में गुलप्रीत के फादर ने गनर से मदद मांगी थी, लेकिन गनर उसकी मदद करने के लिए मना कर देता है और उसी लड़ाई में गुलप्रीत के पिता की जान चली जाती है। और गुलप्रीत को यही लगता है कि उसके पिता की मौत के जिम्मेदार गनर है, इसलिए वो उससे नफरत करता था। दूसरी तरफ गनर भी इनसे काफी नफरत किया करता था। अपने गांव को ऐसे बर्बाद और तबाह हुआ देखकर उसे लगता है ये गुलप्रीत ने किया है, लेकिन गांव का ऐसा हाल गुलप्रीत ने नहीं किया था। इसके बाद राजा कैनन से पूछता है वो कहां से आया है, लेकिन कैनन उन्हें यह नहीं बताता कि वो एक दूसरे ग्रह से है, बल्कि वह उनसे झूठ बोल देता है कि वो बहुत दूर से आया है। और जब वह सफर कर रहा था तब एक बहुत ही बड़ा जानवर उनकी शिप पर हमला कर देता है और उस जानवर का नाम मोरविन होता है। वह कोई आम जानवर नहीं है, एक बहुत खतरनाक जानवर है जो अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज हर एक इंसान को मार देता है। लेकिन जब वो ये बता रहा था तो कोई भी उसकी बातों का यकीन नहीं करता। तभी अचानक उनके गांव पर किसी अनजान चीज का हमला होता है जो किसी और ने नहीं बल्कि मोरविन ने किया था। उसने इनके गांव के बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और साथ ही में वो बहुत सारे लोगों को अपने साथ उठाकर ले जाता है। और यह सब बर्बादी देखकर राजा उस खतरनाक जानवर का शिकार करने का एक प्लान बनाता है। वो अपने कुछ खास सिपाही और कैनन को लेकर जंगल में चला जाता है ताकि मोरविन का शिकार कर सके। अब कुछ दूर चलने के बाद उन्हें जंगल में एक गुफा दिखाई देती है। वो सब उस गुफा के अंदर चले जाते हैं और जब ये लोग वहाँ खड़े होते हैं तो कोई चीज राजा के ऊपर हमला करती है। दरअसल वो एक बहुत ही बड़ा भालू था और राजा को मारने ही वाला होता है। तभी कैनन अपनी तलवार निकालकर उसके पेट में घुसा देता है और वो उस भालू को मार देता है। और यह सब देखकर गांव के लोग कैनन को पसंद करने लगते हैं क्योंकि उसने राजा की जान बचाई होती है। उन सब की नज़र में कैनन की इज्जत बढ़ जाती है और यह सब भालू को मारने की खुशी में जश्न मनाते हैं और सब काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था उन्होंने मोरविन उस राक्षस को मार दिया। लेकिन कैनन जानता था कि यह इन लोगों की गलतफहमी है, वो मोरविन नाम का जानवर अभी भी जिंदा है। फिर अगली रात उनके गांव पर फिर से हमला होता है और यह हमला गनर ने करवाया था। यह दोनों कबीले आपस में बुरी तरह से लड़ते हैं। इस लड़ाई में दोनों कबीले के बहुत सारे लोगों की जानें चली जाती है। गनर की सेना हार जाती है और गनर की सेना यहाँ से वापस जाने का फैसला करती है और वो सभी जंगल में चले जाते हैं। जब वो जंगल में
में होते हैं, तभी मोरविन उन पर हमला कर देता है और गनर के सारे सिपाही मारे जाते हैं। और मोरविन गनर पर हमला करता है, वो उसे देख लेता है और वो पुरानी बुलप्री के गांव की तरफ भागने लगता है। और फिर उस कबीले के लोग भी मोरविन को अपनी तरफ आते हुए देख लेते हैं और घबरा जाते हैं। यह सब देखकर राजा बहुत ही परेशान हो जाता है और केनन से मदद मांगता है कि इसे कैसे रोका जाए। केनन बताता है, हमें इसे पकड़ने के लिए एक बहुत ही बड़ा जाल बिछाना होगा। और फिर वो उस जानवर को पकड़ने के लिए जंगल के बीच में एक बहुत ही बड़ा गड्ढा खोदते हैं और उस गड्ढे को तेल से भरकर उसके ऊपर लकड़ियां और घास फूस रख दी जाती है कि जब मोरविन यहाँ पर किसी पर हमला करने आएगा वो इस गड्ढे में गिर जाएगा। इसके बाद केनन अपने बारे में फ्रेया को बताता है कि मैं इस ग्रह से नहीं हूँ, मैं दूसरे ग्रह से हूँ और वहाँ पर काफी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है और हम काफी एडवांस थे। हम बाकी प्लेनेट के ऊपर भी अपनी तरह की दुनिया बसाना चाहते थे। फिर हमने बहुत सारे प्लेनेट की तलाश की, फिर हमें एक ग्रह मिला पर वो पूरा का पूरा मोरविन का था। उस ग्रह पर सिर्फ मोरविन का ही राज था। मोरविन साइज में काफी बड़े और खतरनाक जानवर होते हैं, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते क्योंकि वो घास खाने वाले जानवर थे। फिर हम उस ग्रह पर बस जाते हैं और अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। और फिर हमें बाकी के लोगों को भी इसी ग्रह पर बसाना था, इसलिए हम मोरविन को मारने का फैसला करते हैं। हम मोरविन को एक मामूली जानवर समझते थे, हमें उसके खतरे का कोई अंदाजा नहीं था। हमारे लोग मोरविन के ग्रह पर जाकर उस पर हमला कर देते हैं। हमने उन पर न्यूक्लियर हमले किए जिससे सारे मोरविन मारे गए। उस ग्रह से हमने सारे मोरविन को मारकर साफ कर दिया। इसके बाद वहाँ हमारे जैसे और भी लोग रहने लगते हैं। इस ग्रह पर केनन भी अपने परिवार के साथ रहना शुरू कर देता है, लेकिन एक बार केनन को अपने मिशन पर जाना था। यह सब सोच रहे थे कि सारे मोरविन मारे गए, पर इनको नहीं पता था कि अभी एक मोरविन जिंदा है। और जैसे ही केनन अपने साथियों के साथ शिप में बैठकर अपने मिशन के लिए निकल जाता है, और उसके बाद वो बचा हुआ मोरविन हमारे लोगों पर हमला कर देता है क्योंकि उस मोरविन को अपने साथियों को खोने का बहुत गुस्सा था। वो अपना बदला लेना चाहता था। वो उस ग्रह पर रहने वाले सभी लोगों को मार देता है और हर चीज को तबाह कर देता है। और इसमें केनन की फैमिली भी मारी जाती है। और जब केनन को इस बारे में पता चलता है तो वो उस ग्रह पर वापस आता है, और जब वो देखता है कि यहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया है तो वो वापस अपने ग्रह पर आने लगता है। पर वो वापस आते उससे पहले मोरविन उनके शिप पर कब्जा कर लेता है और उन पर हमला करके उनको मारने की कोशिश करता है, और इस वजह से हमारा शिप क्रैश हो जाता है और हम यहाँ पृथ्वी पर आ जाते हैं। और इसके बाद मोरविन वापस केनन से अपना बदला लेने के लिए आता है, और केनन को भी उससे अपने परिवार का बदला लेना था। लेकिन इस बार जैसे ही मोरविन उन पर हमला करने के लिए आता है, वह मोरविन उनके जाल में फंस जाता है और तेल के गड्ढे में गिर जाता है। और जैसे ही वह उस गड्ढे में गिरता है, उस कबीले के लोग तीरों से तेल में आग लगा देते हैं, जिस वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिससे इन सभी लोगों को लगता है मोरविन मर चुका है। लेकिन वो मरा नहीं था। दरअसल मोरविन काफी चालाक जानवर होता है जिसने बहुत सारे इंसानों को एक कैद खाने में कैद कर रखा था, और वह खुद भी वहीं रहता था। और वहाँ पर इंसानों को रखने का उसका मकसद यही था कि वह अपनी नस्ल बढ़ा सके, और वह इसमें कामयाबी हो जाता है और एक मोरविन पैदा कर लेता है। और उस मोरविन का बच्चा इन लोगों पर हमला कर देता है, साथ ही वो दूसरा मोरविन भी आग से बाहर आ जाता है। वो बाहर आते ही बहुत सारे लोगों पर हमला कर देता है और हमला करके इनके बहुत सारे लोगों को मार देता है, जिसमें राजा की भी जान चली जाती है और पूरा गांव तबाह हो जाता है। इसके बाद केनन को पता चल जाता है कि वो मोरविन तक कैसे पहुंचेगा। उसे एक कुएं का रास्ता मिल जाता है और वो रास्ता सीधे मोरविन की तरफ जाता था। अब गांव पूरी तरह बर्बाद हो गया था और सभी गांव वाले उस गांव को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन बुलप्री केनन और उसके सिपाही मोरविन को मारने का फैसला करते हैं। केनन सबको बताता है मोरविन एक काफी ताकतवर जानवर है, उस पर यह आम तलवारें असर नहीं करती। इसके बाद केनन अपने शिप की तरफ जाता है और उसमें से बहुत सारा लोहा लेकर आता है क्योंकि वह उसी की दुनिया का लोहा था। वो उस लोहे से बहुत मजबूत हथियार बनाते हैं जिससे मोरविन को मारा जा सकेगा। इसके बाद यह सब कुएं से होते हुए उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर मोरविन रहता है। यह सब यहाँ देखते हैं मोरविन ने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कैद कर रखा है और वो उनसे और भी बहुत सारे मोरविन पैदा करवा रहा है। तभी अचानक नीचे से एक मोरविन आता है और उन पर हमला कर देता है, लेकिन फ्रेया उस मोरविन को अपनी तलवार से मार देती है। अब सिर्फ बड़ा वाला मोरविन रह जाता है। उसके बाद यह सब कुएं से बाहर आ जाते हैं जहाँ पर वो बड़ा मोरविन इन पर हमला कर देता है जिसमे बुलफ्रिक की जान चली जाती है। इसके बाद केनन और मोरविन की लड़ाई होती है। इनके बीच काफी देर तक जंग चलती
होती है जिसमें केनन मोरिन का हाथ काट देता है और मोरिन पहाड़ी से नीचे गिरकर मर जाता है। अब केनन इस कबीले का नया राजा बन जाता है और अब केनन का ट्रेसिंग डिवाइस भी एक्टिवेट हो जाता है। अब उसे अपने ग्रह के लोग पृथ्वी पर लेने के लिए आ रहे थे, लेकिन केनन को लगता है मोरिन के प्लेनेट की तरह इस ग्रह पर भी मेरे लोग कब्जा न कर ले, इसलिए वो एक पत्थर उठाता है और उस ट्रेकिंग डिवाइस को तोड़ देता है जिससे उन लोगों की स्पेसशिप वापस चली जाती है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो आप सबको मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए, और भी ऐसे इंटरेस्टिंग मूवी के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।